दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, विराट कोहली के साथ हुई बदसलूकी पर भड़के दिग्गज खिलाड़ी। जी हां दोस्तों, आज विराट कोहली के साथ एक ऐसी हरकत हो गई जिसके बाद खुद विराट कोहली काफी ज्यादा निराश दिखाई दिए। तो वहीं विराट कोहली के साथ हुई बदसलूकी को लेकर दिग्गजों ने क्या बयान दिया, ये तो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार विराट कोहली के साथ ऐसा क्या हुआ जिसके बाद खुद विराट कोहली शर्मिंदा है। जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी में कौन है खतरनाक खिलाड़ी? इस बात का जवाब नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला खेला गया और इस मुकाबले में भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका से 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ विराट कोहली के साथ एक गलत व्यवहार हो गया। दरअसल विराट कोहली के होटल के कमरे में जाकर किसी मैनेजमेंट के आदमी ने विराट कोहली की प्राइवेसी को आहत करते हुए उनके रूम की वीडियो बना ली, जिसके बाद उसको वायरल कर दिया, जिसके बाद विराट कोहली काफी ज्यादा निराश दिखे और उन्होंने सभी से अपील की कि इस मामले को यहीं बंद कर दिया जाए। लेकिन विराट कोहली के कमरे की वीडियो बनाने पर कई दिग्गज खिलाड़ी भड़क चुके हैं और उन्होंने अपना बयान भी जारी किया। दरअसल शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम वैसे तो काफी ज्यादा समझदार टीम है, लेकिन किसी भी खिलाड़ी के कमरे में जाकर उसकी वीडियो बनाना किसी करीबी आदमी का काम होता है। ऐसा हरकतें जो हैं बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने आगे ये भी कहा कि किसी की प्राइवेसी को आप ना देखें, इससे काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो वहीं वीरेंद्र सहवाग ने बयान देते हुए कहा कि विराट कोहली के साथ जो कुछ भी हुआ ये सब गलत है, इसी तरीके की हरकत समझदार लोग करेंगे इस बात का हमें यकीन नहीं हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि किसी की भी प्राइवेसी को ऐसे पब्लिक नहीं करना चाहिए, अगर ऐसा ही चलता रहा तो दिक्कत खिलाड़ी को हो सकती है। सचिन तेंदुलकर ने बयान देते हुए कहा कि वास्तव में मैं काफी ज्यादा दुखी हूं कि विराट कोहली के साथ जो कुछ भी हुआ वो वास्तव में काफी ज्यादा गलत है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वहीं हर खिलाड़ी की प्राइवेसी खतरे में आ जाएगी। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि ICC को कुछ नियम बनाने होंगे, अन्यथा इसके दुष्परिणाम भी बहुत ही जल्द सामने आने वाले हैं। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि विराट कोहली की प्राइवेसी ही नहीं बल्कि सभी खिलाड़ियों की प्राइवेसी काफी ज्यादा जरूरी है, अगर होटल के लोग इस तरीके की लापरवाही करेंगे तो हम खिलाड़ियों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। आज विराट कोहली के साथ ये हरकत हुई है, आने वाले दिनों में किसी और खिलाड़ी के साथ ये हो सकती है, ICC को ये बात समझनी चाहिए। तो वहीं डेविड वार्नर ने बयान देते हुए कहा है कि विराट कोहली के साथ जो कुछ भी हुआ है वो हमें काफी ज्यादा निराशा प्रदान कर रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए ये भी कहा कि खिलाड़ियों की प्राइवेसी के लिए ICC को नियम बनाना चाहिए, अगर ऐसा ही कोई ना कोई होटल में घुसेगा तो खिलाड़ियों के लिए काफी बड़ी मुश्किल हो सकती है, ICC को गंभीरता से लेना चाहिए इसे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि विराट कोहली के साथ जो कुछ भी हुआ वो सही है या गलत? इस बात का जवाब नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।